हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। और आप देख रहे हो अपना चैनल हर्ष किसान। तो किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गन्ने की फसल में बहुत सारी समस्या देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही है और हमारे किसान भाइयों के खेतों में जैसे कि सुंडी और फंगिसाइड और गन्ना गुल्लाने की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो उसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, आपको कौन सी दवाई किस समय पर लगानी है। किसान भाइयों, यदि आपने सही समय पर गन्ना गुल्याना और सुंडी लगना और फंगिसाइड लगना, इन बातों पर आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपके गन्ने का एवरेज आपको देखने को सही नहीं मिलेगा और आपके खेत को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। तो किसान भाइयों, उसी के बारे में आज हम आपको कुछ जानकारी लेकर आए हैं, जिस दवाइयों को लगाकर इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आइए जानते हैं। तो किसान भाइयों, देखिए, आपको अपने गन्ने की फसल में इन दो दवाइयों का उपयोग करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए, प्रोफैक्स जो कि विडासाइड इंडिया कंपनी की है, और दूसरा हमको लेना है हाडू, जो कि जय भारत वालों की है। तो मात्रा की बात मैं बता देता हूँ, कितनी मात्रा आपको लेनी है। जैसे कि 5 बीघे फसल के लिए आपको ये 500 ml की प्रोफैक्स पूरी, और जी हाडू ये पूरा डिब्बा 500 ग्राम का, दोनों को आग को एक जगह मिक्स करके अपनी गन्ने की फसल में पत्तियों पर स्प्रे कर दें, और 15 दिन तक आपके खेत में इसकी गंध बनी रहे। तो किसान भाइयों, इन दवाई का स्प्रे करते समय गन्ने की फसल में नमी होनी चाहिए। अगर खेत में नमी रहती है, जब हम पत्ती पर इसका स्प्रे करते हैं, तो पौधा दवाई को अच्छे से ग्रहण कर पाता है और आपको उसका रिजल्ट बहुत जल्द देखने को मिलता है। और खेत में नमी नहीं है, खेत सूखा है, तो स्प्रे करके एक दिन बाद पानी चला दें। हमको सावधानी की बात करें तो इससे अपने ग्लव्स पहनकर और मुंह पर मास्क लगाकर आप अपनी खेत की फसल में स्प्रे करें इसका, और आपको 10 से 15 दिन में ही आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अपनी फसल की बढ़वार देखने को मिलेगी, अच्छी बढ़वार करनी शुरू हो जाएगी, और जो कि फंगिसाइड जो गुल्याने की समस्या थी वो भी ख़त्म हो जाएगी, और धीरे धीरे पौधा अच्छा, बहुत अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा और पत्ती खिलनी शुरू हो जाएगी। तो आप पत्तियों पर इसका स्प्रे करते हैं तो पत्ती अच्छे से दवाई से तर हो जानी चाहिए, ताकि सभी पत्तियों पर दवाई का स्प्रे पहुँच सके, और जो आपके खेत में सुंडियाँ लग रही हैं वे सब मर जाएंगी। जो कुछ सुंडियाँ बीच में जैसे अंडे दे देती हैं, तो उन पे जैसे अच्छे से पत्ते पर जब दवाई जाएगी वे सब आसानी से मर जाएंगे। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमने आपको बताया किस तरीके से आपको स्प्रे करना है, उसी तरीके से आप अपने खेत की फसल में स्प्रे कर सकते हैं। और किसान भाइयों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सही समय से पहुँच सके। तो किसान भाइयों, यदि आप चाहते हैं आपके गन्ने की फसल में या और किसी फसल में कोई बीमारी लग रही है, उसी के ऊपर अगर हम वीडियो बनाएं, तो आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, क्या समस्या आपके खेत में देखने को मिल रही है। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं हम किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार किसान भाइयों।